तो हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आलाब, आपका टेक्निकल फ्रेंड। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जाने वाला हूं, अगर आपने एज अ रैपिडो कैप्टन न्यूली ज्वाइन किया है तो दोस्तों आपको कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना कंपनी तो अपने आप में फ़ायदा उठाएगी और आप पे कभी 500 रुपये फाइन डाल दिया, कभी 200 रुपये डाल दिया, कभी 100 रुपये डाल दिया। तो अगर आप थोड़ा केयरफुल नहीं रहोगे तो ये पेनल्टी लेने की आदत आपको बनानी पड़ेगी और फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस बातों का ध्यान रखना है जब आप रैपिडो कैप्टन फील्ड में जाते हो। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको मदद मिल सके। तो दोस्तों, क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फील्ड में जाओगे? दोस्तों, नंबर 1, जब आप फूड डिलीवरी करते हो, जी हाँ, जब आप फूड डिलीवरी करते हो, आपका आपके पास कोई फूड डिलीवरी का कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, और आप चले गए, बीच रास्ते में हैं और आपने सोचा अबे नहीं करना है मुझे, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो कैंसिल नहीं होता है, लेकिन अगर आप नहीं जाओगे वहाँ पे टाइम पे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो कंपनी आपको 500 रुपये पेनल्टी डाल सकती है। फिर आप उसका कुछ रीज़न कुछ भी हो, फिर आप वो कंपनी नहीं सुनेगी, आपको 500 रुपये पेनल्टी डिडक्शन हो जाएगा आपके वॉलेट से। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आप रेस्टोरेंट पहुंच भी गए हो, लेकिन आपने गलती से किसी दूसरा पार्सल उठा के कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच गए हो, तब क्या होगा? तो तब भी दोस्तों आपको वही सेम पार्सल आपको लेके वापस उस रेस्टोरेंट पे जाना है और अपना पार्सल चेंज करवाना है जो कस्टमर का पार्सल फूड पार्सल है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर से आपको कंपनी पेनल्टी लगा सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है। अब दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि जब आप ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में यही रहता है, कभी फूड डिलीवरी का ऑर्डर आ गया तो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, या तो कोई राइड आया वो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, हम स्किप कर देते हैं। ऐसे लगातार आप 10 या 12 राइड या तो फूड डिलीवरी ऑर्डर्स आप स्किप करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, वो पेनल्टी मिनिमम रहेगी, लेकिन 50 रुपये 60 रुपये वैसी पेनल्टी लग सकती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और दोस्तों, तीसरी बात, जब आप सोचते हो कि चलो यार फेक ऑर्डर कर लेते हैं और पैसा बना लेते हैं, इंसेंटिव मिल जाएगा, नहीं दोस्तों, अगर आप फेक फेक ऑर्डर करते हो अपने फ्रेंड को बोल के कि आप वहाँ पे उस लोकेशन पे चले जाओ, मेरी राइड बुक कर और मैं ये करूँगा, बुक करके हम फेक ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, तो नहीं दोस्तों, अगर कंपनी को पता चला तो क्या होगा दोस्तों, पता है आपको, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, प्लस आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों आपको ध्यान रखनी होगी जब आप फील्ड में उतरते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन चीजों की ध्यान रखनी है जब आप फील्ड में जाते हो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।